हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3A फ्रॉम द मैथ्स क्लासेस क्लास 8 आरएस अग्रवाल बुक. राइट, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट विच आर द प्राइम सॉरी विच आर द परफेक्ट स्क्वायर एंड विच आर नॉट. तो वेरी फर्स्ट पार्ट आई एम राइटिंग, द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4, 4, 1. ठीक है, दिस नंबर इज गिवन टू यू एंड यू नीड टू चेक यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन वेदर इट इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. ठीक है, तो कैसे करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन, आप सबको आता होगा. सबसे पहले हमने 4, 4, 1 लिखा, स्मॉलेस्ट नंबर जिससे ये डिविजिबल है दैट इज 3. इसकी यूनिट डिजिट क्या है 1, तो 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 3 से हम शुरू करते हैं. 3 1 जा 3, राइट, 1 रिमाइंडर आएगा. 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर आएगा. 3 7 जा 21. नाउ अगेन हम इसको 3 से डिवाइड करवाएंगे. 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27. नाउ अगेन 7 7 जा 49 एंड 7 7 जा 1. तो हमें 4 4 1 के वेक्टर्स क्या मिले, 3 × 3 × 7 × 7. ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था जब भी इक्वल पेयर में प्राइम फैक्टर्स बनते हैं तो वो नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है. क्या यहाँ इक्वल पेयर में फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास, देखिए 3 × 3 इक्वल फैक्टर है पेयर में और 7 × 7 भी इक्वल फैक्टर है पेयर के अंदर, राइट. तो हम क्या कहेंगे, यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. क्यों, बिकॉज इन वन पार्ट आई एम राइटिंग द डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन, बिकॉज वी आर गेटिंग pairs of equal factors, so 4, 4, 1 is a perfect square. ठीक है, तो हमने बता दिया 4, 4, 1 कैसा है, perfect square है, right? ऐसे ही second part पे आते हैं. second part क्या है, 576. ठीक है, second part हमारा है 576, राइट. अब 576 का भी हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो लेट्स डू इट. 576, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 6, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16. नाउ अगेन 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, अगेन 2 से जाएगा. 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, नेक्स्ट अगेन 2 से 36, 2 जा 72. नाउ 18 2 जा 36. नाउ अगेन 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब मैं डायरेक्टली बताऊंगी, राइट. अब 576 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3. क्या यहाँ से इक्वल पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर मिल रहे हैं, यानी देखो ये पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर है 2 का, अगेन नेक्स्ट 2 का भी मिल रहा है, नेक्स्ट 2 का भी मिल रहा है और 3 और 3 का भी मिल रहा है. तो क्या हमें इक्वल फैक्टर्स मिल रहे हैं पेयर्स के अंदर, यस. तो 576 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट. नाउ थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट दैट इज 1 1 0 2 5 1 1 0 2 5. सेम वे में हम इसका भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, चलिए करते हैं. अब इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 5, तो हम डायरेक्टली इसको 5 से डिवाइड कराएंगे. सो 5 2 जा 10, 1 रिमाइंडर. 5 2 जा 10 एंड 0 कॉपी होगी क्योंकि दो डिजिट एक साथ हो जाएंगे डिवाइड. सो 5 5 जा 25. नाउ अगेन 5 है यूनिट डिजिट तो 5 से ही जाएगा. 5 4 जा 20, बचेंगे 2. 5 4 जा 20 एंड 5 1 जा 5, अगेन यूनिट डिजिट 1 आ गई, तो 5 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, किससे होगा, 3 से. 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21. अब देखिए यही वाला रिपीट हो गया ना फर्स्ट पार्ट वाला, तो मैं यहीं से कॉपी कर देती हूँ. नाउ अगेन किससे जाएगा ये, 3 से, क्या मिलेगा, 49, फर्दर 7, देन 7 एंड लास्ट में 1, राइट. तो इसको मैं 11025 को कैसे लिख सकती हूँ, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 7 क्रॉस 7. तो देखिए इक्वल पेयर्स बन रहे हैं, नहीं बन रहे, 5 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 7 का बन रहा है. तो हम क्या लिखेंगे, यस 11025 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, 1176. इसको चेक करते हैं,
1176 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, लास्ट 6 है तो 2 से जा सकता है, तो 2 5 10, 2 8 16 एंड 2 8 16, अगेन 2 से करेंगे, 2 2 4, 2 9 18, 2 4 8, अगेन 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, राइट। अब 7 आ गई ना ये डिजिट, तो 3 से जाएगा, 3 4 12 एंड 3 9 27, नाउ 7 से जाएगा, 7 7 49, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि इक्वल पेयर्स ऑफ फैक्टर्स नहीं बन पा रहे। देखिए 2 और 2 का बन गया, नाउ नेक्स्ट क्या आ रहे हैं, 2 और 3, क्या ये इक्वल फैक्टर्स हैं? नो, एक तो 2 का है और एक 3 का है, और 7 7, ये भी इक्वल है, ठीक है। अगर एक भी पेयर हमें अनइक्वल मिल जाता है, फैक्टर्स का नहीं मिल पाता है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, चूंकि 1176 किसके इक्वल है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7 क्रॉस 7, वी आर अनेबल टू फाइंड, वी आर अनेबल टू फाइंड इक्वल फैक्टर्स इन पेयर्स, इक्वल फैक्टर्स इन पेयर्स, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, पी एस मीन्स परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ पार्ट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है हमारा, फिफ्थ पार्ट इज 5625, इसके भी करते हैं फैक्टर्स, चलिए 5625, यूनिट डिजिट कितनी है 5, तो किससे डिवाइड कराएंगे, 5 से, 5 1 5, नाउ अगेन 5 1 5, 1 रिमाइंडर, 5 2 10, 2 रिमाइंडर, 5 5 25, फिर से 5 से डिवाइड होगा, 5 2 10 बचेगा 1, 5 2 10 बचेगा 2, 5 5 25, अगेन 5 से, 5 4 20 बचेंगे 2, 5 5 25, अगेन 5 9 45, फिर से 3 से जाएगा, 3 3 9 एंड 3 1 3, तो देखिए हमें इक्वल फैक्टर्स मिले कि नहीं मिले, 5 5, इक्वल पेयर ऑफ फैक्टर्स, अगेन 5 5, इक्वल पेयर ऑफ फैक्टर्स एंड 3 3, इक्वल पेयर ऑफ फैक्टर्स, तो हम क्या कहेंगे, यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू पार्ट नंबर 6, दैट इज 9075, यहीं देख लेते हैं इसको भी, 9075, राइट। अब इसके फैक्टर्स करते हैं, 9075 के यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 से ही डिवाइड करवाएंगे डायरेक्टली, तो देखिए क्या मिलेगा, 5 1 5, 4 बचेगा, 5 8 40, नाउ 5 1 5, 2 रिमाइंडर, 5 5 25, फिर से यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 से जाएगा, 5 3 15, बचेगा 3, 5 6 30, बचेगा 1 एंड 5 3 15, राइट। नाउ यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 3, तो किससे देंगे, 3 से, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, यूनिट डिजिट अभी 1 है, राइट। तो क्या ये 3 से डिविजिबल होगा, देखिए करके देखिए, 3 4 12 और 1 बच जाएगा, तो 3 से तो नहीं होगा। नाउ किससे डिवाइड हो सकता है ये, वी कैन डिवाइड इट बाय यूजिंग 11, ठीक है, 11 1 11, 1 रिमाइंडर, 11 1 11, फिर से 11 1 11, तो देखते हैं क्या इक्वल फैक्टर्स बने, 5 5 का बन गया, बट 3 के साथ 3 का इक्वल फैक्टर हमें नहीं मिल रहा, और 11 क्रॉस 11 भी हमें मिल रहा है, बट चूंकि हमें एक इक्वल फैक्टर नहीं मिल रहा, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आप पूरा ऐसे इस तरीके से लिखेंगे जैसे मैंने इस पार्ट में बताया था आपको, बिकॉज वी आर अनेबल टू फाइंड इक्वल फैक्टर्स इन पेयर, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 7, 4225, ठीक है, 4225 की बात करते हैं, इसको चेक करते हैं, इसके फैक्टर्स करते हैं पहले, 4225 के क्या आएगा, यूनिट डिजिट कितनी है, 5 है, तो 5 से जाएगा, 5 8 40, बचेंगे 2, 5 4 20, फिर से 2 बचेगा, 5 5 25, फिर से 5 से जाएगा, 5 1 5, बचेंगे 3, 5 6 30, बचेगा 4, 5 9 45, नाउ यूनिट डिजिट 9 है ना, तो 3 से देखते चला जाएगा क्या, 3 4 12, सॉरी 3 5 15, और 1 तो 3 से तो नहीं जाएगा, नाउ 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, ये 7 से चेक करते हैं, 7 2 14, 2 रिमाइंडर आएगा तो उससे भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 की बात करें तो 9 से भी नहीं होगा, 10 11 12 13 13 से जा सकता है ये, देखिए 13 1 13, 3 बचेगा, 13 3 39, या आप ऐसे कर लीजिए, 13 into 13 कितना होता है, 169, राइट। नाउ 13 है, तो
तो किसका आएगा ये 13 1 जा 13, राइट। तो फैक्टर्स क्या मिले, 5 5 इक्वल पेयर ऑफ फैक्टर मिल गया, 13 13 इक्वल पेयर ऑफ फैक्टर्स मिल गया। इसका मतलब इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी कैसा है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ द लास्ट पार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन 1 इज 1089, ठीक है 1089। इसके भी चलिए फैक्टर्स करते हैं 1089 की, क्या मिलेगा 1089। यूनिट डिजिट कितनी है इसकी, 9, 3 से कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, 3 6 जा 18 एंड 3 3 जा 9, फिर से 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर से आप इसको देखिए, अब ये 3 से नहीं जाएगा, 3 4 जा 12 और 1 रिमाइंडर रह जाएगा, राइट। तो हम इसको किससे कर सकते हैं, 4 से नहीं जाएगा, 5 6 7, 7 1 जा 7, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 9 10 11, 11 से चला जाएगा, 11 1 जा 11, 1 रिमाइंडर, 11 1 जा 11, ठीक है ना, फिर से 11 से जाएगा, 11 1 जा 11। तो देखिए क्या इक्वल पेयर्स ऑफ फैक्टर्स मिल गया, यस 3 3 एंड 11 11। तो हम क्या कहेंगे, यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो नाउ दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में आपको, कि शो दैट द गिवन नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर एंड फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज दैट नंबर। मतलब आपको पहले तो ये बता शो करना है कि जो नंबर्स आपको गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर है, और उसके बाद ये भी बताना है कि गिवन पार्ट्स किस नंबर के स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पार्ट। वेरी फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, 1 2 2 5, 1225, ये हमें गिवन है, राइट। अब हमें चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो चेक करने का तरीका क्या है कि हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और अगर इक्वल पेयर्स ऑफ फैक्टर्स आते हैं तो हम कह देंगे यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली सेम क्वेश्चन है जो अभी आपने प्रीवियसली सॉल्व किया है, राइट। तो चलिए इसको फटाफट से कर लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 1225 की प्राइम फैक्टराइजेशन, यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से करेंगे, 5 2 जा 12, बचेंगे 2, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर से 5 4 जा 20, बचेगा 4, 5 9 जा 45, फिर से 7 से जाएगा, 7 7 जा 49 एंड 7 7 जा 1। तो देखिए इक्वल फैक्टर्स आ गए या नहीं आ गए, तो 1225 को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 × 7 × 7, ठीक है। अब ये तो इसके इक्वल फैक्टर हो गए, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें नंबर भी फाइंड आउट करना है कि ये 1225 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो उसे करने के लिए हमने जो फैक्टर्स कैलकुलेट किए उसे हम रखेंगे 5 × 5 × 7 × 7। क्या 5 × 5 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ऑफकोर्स, एंड 7 × 7 को 7 का स्क्वायर, राइट। अब दोनों का बेस अलग है और पावर सेम है, तो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर सकते हैं, बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर एक बार कॉमन हो जाएगी, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 5 × 7 का स्क्वायर। नाउ 5 × 7 कितना देगा हमें, 35। तो 35 वो नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे हमें 1225 मिलेगा, ठीक है। तो हम तो यही पूछ रहा था कि शो दैट इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यस इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज वी आर गेटिंग इक्वल फैक्टर्स इन पेयर्स एंड 35 इज द नंबर हुज परफेक्ट स्क्वायर इज द गिवन नंबर 1225, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में बना के आंसर लिख देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, सेकेंड पार्ट इज 2601। तो इसके भी हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करें। इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 1, राइट। तो हम पहले चेक कर लेते हैं क्या सारे डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है, 6 2 8 + 1 9, तो 9 3 से डिविजिबल है ना, तो वी विल यूज 3 फर्स्ट, ठीक है। 3 8 जा 24, 2 रिमाइंडर आएगा, 3 6 जा 18, राइट, 2 रिमाइंडर आएगा, 3 7 जा 21। नाउ फिर से 7 + 6 13 + 8, दैट इज 21, 3 से डिविजिबल है तो 3 से कर लेते हैं, 3 2 जा
सिक्स राइट, नाउ टू रिमाइंडर थ्री, एट जा 24, टू रिमाइंडर थ्री, नाइन जा 27, अब 9 टू 11 और 8 19, अब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो चलिए इसको अपन कर लेते हैं, इट इज डिविजिबल बाय 17, सो 17 वन जा 17, 11 विल बी रिमाइंडर, सो 119 और 7 17 7 जा 119, या आप ऐसे भी देख सकते हैं यूनिट डिजिट 9 है ना, तो किसका स्क्वायर करें कि हमारे पास यूनिट डिजिट 9 आ जाए, तो 17 क्रॉस 17 करोगे तो 7 7 जा 49, तो यूनिट डिजिट 9 आ जाएगी, ठीक है। नाउ 17 वन जा 17, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2601 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 17, ठीक है। नाउ 3 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसे 17 का स्क्वायर, फिर से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा दीजिए, बेस अलग है तो प्रोडक्ट हो जाएंगे और पावर एक बार कॉमन हो जाएगी, तो क्या आंसर आ गया, 17 3 जा कितना आएगा, 7 3 जा 21, 2 कैरी 3 1 जा 3 2 5, तो 17 3 जा 51 स्क्वायर, तो फर्स्ट आंसर तो हमें ये मिल गया कि यस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इक्वल पेयर्स और इक्वल फैक्टर्स ऑफ पेयर्स बन रहे हैं राइट, और दूसरा आंसर किस नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है, 51 का, ठीक है, तो 51 इज योर आंसर राइट। आप इसी तरीके से लैंग्वेज में बना के लिख देंगे जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताई थी। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट हमें गिवन है 5929, चलिए फटाफट से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यूनिट डिजिट 9 है, ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं डिजिट का सम करके 3 से डिविजिबल होगा या नहीं, 9 9 18, 20 और 5 25, तो 3 से तो डिविजिबल नहीं होगा राइट, 7 से हो सकता है, 7 7 जा 49 होता है लास्ट डिजिट में राइट, तो चेक कर लेते हैं, 7 8 जा 46, ठीक है, 3 विल बी रिमाइंडर 32 आएगा, 7 4 जा 28, 4 विल बी रिमाइंडर एंड 7 7 जा 49, तो 847 फाइनली यू विल गेट, अगेन ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, ठीक है, फिर से देखिए किससे जाएगा ये, 11 से, 11 वन जा 11, 1 रिमाइंडर 11 वन जा 11, फिर से 11 वन जा 11, तो हमें क्या मिला, 7 क्रॉस 7 एंड 11 क्रॉस 11 मीन्स 5 9 2 9, को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 क्रॉस 7 क्रॉस 11 क्रॉस 11, ठीक है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, यस इक्वल फैक्टर्स ऑफ पेयर्स मिल रहे हैं, नाउ इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, फिर से 7 इंटू 11 का होल स्क्वायर, तो बताइए किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 77 का, 11 7 जा 77, तो 77 वो नंबर है जिसका कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट हमारा है 7056, चलिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं फटाफट से, क्या मिलेगा 7056, तो ये तो इजीली आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6 है, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, नाउ 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, अगेन 2 से चला जाएगा, 4 4 1 राइट, अब यहां से ये जाएगा आपका 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड बचेंगे 2, 3 7 जा 21, ठीक है, फिर से ये 3 से चला जाएगा, 3 4 जा 12 एंड 9 3 जा 27, ये 3 9 जा 27, फिर से ये किससे जाएगा, 7 से, 7 7 जा 49, तो हमें क्या मिले, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7, तो एक बार इसको तो हम लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2 को 2 का स्क्वायर, फिर से 3 इंटू 3 को 3 का स्क्वायर एंड 7 इंटू 7 को 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बेस सबके अलग है, पावर कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7 का होल स्क्वायर, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा हमें, वी विल गेट 2 टू द 4, 4 3 जा 12 एंड 12 7 जा 84, तो किसका स्क्वायर है ये 7056, 84 का होल स्क्वायर, तो 84 वो नंबर है जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। नाउ द लास्ट पार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज 8281, ठीक है, ये इसका लास्ट पार्ट है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसके भी,
ठीक है, यूनिट को सम करके देखेंगे 9 to 11 plus 8 19, तो ऑब्वियसली ये 3 से तो डिविजिबल नहीं होगा। अब 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट ऑड है, राइट। तो 7 पे चलते हैं, 5 से भी नहीं होगा, 5 के लिए 05 होनी चाहिए यूनिट डिजिट, 7 पे 8, राइट। 7 1 7 वन रिमाइंडर, देन 12 आएगा, 7 1 7 नाउ दिस टाइम 5 रिमाइंडर, एंड 7 8 जा 56, 2 रिमाइंडर एंड 7 3 जा 21, राइट। तो नाउ अगेन दिस इज डिविजिबल बाय 7, 7 1 जा 7 7 6 जा ठीक है 42, नाउ 7 9 जा 63, अगेन इट विल इज डिविजिबल विद 13, 13 1 जा 13 एंड 13 3 जा 39, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 13। तो हमारा रिजल्ट क्या मिला, हमें इक्वल फैक्टर्स मिल गए 7 क्रॉस 7 एंड 13 क्रॉस 13, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, दो बार 7 है तो 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ दोनों के बेस अलग अलग हैं तो दोनों को एक बार ब्रैकेट में लेके मल्टीप्लाई करके पावर को कॉमन कर देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 13 into 7, तो 13 into 7 क्या देगा हमें, 91 का होल स्क्वायर। तो 91 वो नंबर है जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3।